क्या आप भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं और कब्ज का घरेलू उपचार चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि इस नुस्खे से आपको फायदा हो ही जाएगा। इस असरदार घरेलू उपाय से आसानी से आप कब्ज को दूर कर सकते हैं। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन सभी बीमारियों की जड़ है, इसलिए इस बीमारी को दूर करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हैं और इसमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं गुलाब के सूखे पत्ते। हम इनको अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें अगर कुछ भी वो हरे वाले पत्ते वगैरह हैं तो उनको हटा लेंगे। गुलाब के पत्ते मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में सहायक होते हैं, टॉक्सिन्स को क्लियर करके वेट लॉस में भी मदद करते हैं, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से छुटकारा दिलाते हैं, पाइल्स की समस्या से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा जो हमें एक और इंग्रेडिएंट चाहिए वो है पुदीना की टिक्की। ये एक हर्बल मेडिसन है जो प्योर मिंट से बनाई जाती है। पुदीना की टिक्की पेट की सभी बीमारियों के लिए लाभदायक होम रेमेडी है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है जीरा, क्यूमन सीड्स। जीरे में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। पाचन संबंधी विकार, डायरिया, अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए कच्चे जीरे का उपयोग काफी लाभदायक होता है। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। काली मिर्च का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा काली मिर्ची फैट बर्नर का काम भी करती है, जिससे वजन कम करने में भी सहायक है। काली मिर्ची में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे कई रोगों को दूर रखा जा सकता है। काली मिर्च में याददाश्त सही करने के और दर्द को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट है हरी इलायची। हरी इलायची का नियमित सेवन करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में ऐंठन की समस्या को दूर किया जा सकता है। यह छोटी सी इलायची सेहत के लिए बड़ा खजाना है। इलायची के रोजाना सेवन से पाचन संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हमारा छठा इंग्रेडिएंट है मिश्री। हमें ये धागे वाली मिश्री लेनी है, वो छोटी छोटी, वो जो माउथ फ्रेशनर की तरह काम करते हैं वो वाली मिश्री नहीं लेनी है। यह वाली जो मिश्री होती है चीनी की तुलना में काफी हेल्दी होती है। पाचन में सुधार के लिए मिश्री का उपयोग फायदेमंद माना जाता है। मिश्री में डाइजेस्टिव गुण मौजूद होते हैं, जिससे खाने को पचने में मदद होती है। हमारा सातवां और आखिरी इंग्रेडिएंट है सना पत्ती, जिसको सनाए भी कहा जाता है। दुनिया के तमाम देशों में औषधीय लाभ के लिए प्रयोग में लाने वाले पौधों में से एक है सनाए का पौधा। स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। कब्ज से लेकर कई परेशानियों को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज दूर करने के साथ ही यह वजन कम करने में भी सहायक है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना है। किसी भी चीज़ को सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें, जिससे हमें उसका फायदा हो, नुकसान नहीं हो। सना पत्ती को भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कितना कितना लेना है। 100 ग्राम सना पत्ती, 20 ग्राम गुलाब के सूखे पत्ते, 50 ग्राम पुदीना की टिक्की, 30 ग्राम जीरा, इसके अलावा 50 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम हरी इलायची और 10 ग्राम काली मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को एक थाली में डालकर मिक्स करेंगे और उसके बाद हम मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे। मिश्री और पुदीना की जो टिक्की है ना, उसको हम थोड़ा तोड़कर डालेंगे, नहीं तो मिक्सी टूटने का डर रहता है, इसलिए हम इनको थोड़ा कूट लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब्ज के कारण क्या हैं। सबसे पहले तो भोजन में फाइबर की कमी, इसके अलावा पानी का कम पीना, मैदे से बने तले भुने मसालेदार भोजन का सेवन करना,
रात को देर से खाना खाना, चाय या कॉफी अधिक मात्रा में लेना, समय पर भोजन ना करना, ये सभी कब्ज के कारण हैं। तो हमें इन सभी को दूर करना है। तो हमें अपना खान पान कैसा रखना चाहिए वो अब मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियाँ एवं रेशेदार आहार का सेवन करें, यानी कि जैसे चोकर वाले आटे की रोटी खाएं, जैसे आटा आता है उसको छाने नहीं, उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और हाँ, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिएं। समय पर भोजन करें, बेटाइम नहीं करें, मसाले वाले खाने से दूर रहें। आजकल अनियमित दिनचर्या और खान पान के कारण कब्ज की समस्या बहुत सामान्य हो गई है। खाना खाने के बाद बैठे रहने या सीधा सो जाने जैसी गंदी आदतें भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करना बहुत जरूरी है। आप वज्रासन करें, बालासन करें, पवन मुक्तासन करें, यह तीनों आसन कब्ज के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फायदेमंद हैं। हमारा कब्ज का रामबाण इलाज यानी कि ये जो पाउडर है बनकर तैयार है। इसको हमें लगभग 1/2 टीस्पून रात को सोते समय लेना है। ऊपर से 1 ग्लास आप पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी पीना है, गुनगुने पानी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कम से कम 40 दिन तक करें, आपको 100% कब्ज की शिकायत नहीं होगी। ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चे भी इसे चाट चाट कर खाते हैं। अगर बच्चों में कब्ज की शिकायत है, आप उन्हें भी कम क्वांटिटी में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में करके मुझे जरूर बताएं।